मैं आशु बांगड़, हलका उम्मीदवार, हलका फिरोजपुर देहाती। मैं अज तुहानू सारयां नू प्रेस क्लब दे विच इह गल दसना चाहुंदा हाँ कि मैं बड़ी ही इमानदारी नाल, बड़े ही लगन नाल आम आदमी पार्टी की सेवा की है। और आम आदमी पार्टी की सेवा करद्या करद्या लोकां दी सेवा दे विच हमेशा हाजिर रहा, हल्के दे विच बड़े लंबे समय तो विचर रहे हैं। पर इस करके आम आदमी पार्टी दे विच जिहड़ी साडी वलंटियर दी आवाज़ है उहनूं दबाया जा रहा है, क्योंकि इत्थे पंजाब दा स्ट्रक्चर जां पंजाब दी जिहड़ी लीडरशिप है उहनूं बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। इत्थे इको एक लीडर है, वो है राघव चड्ढा, जिहड़ा सारी स्टेटमेंट सारे बयान दिंदा है। पार्टी का प्रधान का कोई वजूद नहीं इत्थे, जिन्हां ने लंबे समय तो पार्टी लई धक्के खाधे, कुरबानियां दित्तियां, उन्हां बंदियां दी कोई पुछगिछ नहीं। आम आदमी पार्टी दे विच एक कंपनी है, आम आदमी पार्टी नहीं है, क्योंकि मैं बड़ा स्ट्रेस दे विच इस चीज़ नूं फील कर रहा कि आम आदमी पार्टी एक कंपनी तौर दे उत्ते पंजाब नूं चलाउणा चाहुंदी है। उहदी इक जिद्दी जादी मिसाल मैं खुद आप हाँ, क्योंकि इन्ना क ज़्यादा स्ट्रेस दिता जा रहा है, इन्ना क टॉर्चर किया जा रहा है कि तुहाडे टिकट कट देंगे तुहाडा अगर तुसीं आ चीज़ां नहीं पूरियां करोगे। सो इस करके मैं आम आदमी पार्टी तो अज अपना अस्तीफा दिता हाँ, क्योंकि बैठ इन्ना डिप्रैशन दे विच टॉर्चर दे विच काम नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे च ताकत है सच नूं सच कहण दी, झूठ नूं झूठ बोलण दी। इन्हां ने जिहड़ा भी कोई फंक्शन कोई भी किसी तरह का ईवेंट आउंदा है साढ़े ते, वो बड़ा दिल्ली के जिहड़े ऑबजरवर लगे हैं, इन्हां दी बोलबाणी इन्नी गंदी है कि तुहानूं मैं दस नहीं सकता। इन्हां ने हर चीज़ नूं प्रैशराइज करके साढ़े तों कम लिया, हर जगह दे उत्ते सानूं दबाया गया, हर जगह दे उत्ते सानूं कोई भी ईवेंट आ जांदा है अपना पार्टी का नाम चमकाउण करके हर बंदे नूं मिसयूज़ किया गया। सो इस करके मैं अगली जिहड़ी प्रैस कॉन्फ्रेंस करांगा उहदे च बहुत वड्डे खुलासे करांगा, लेकिन अज दा मैं अपने परिवार नाल घरों सलाह करके आया। ये जिहड़ी मेरी स्टेटमेंट है, मेरा बयान है, किसी भी पोलीटिकली पार्टी के दबाव च नहीं है, ये मेरा आपदा डिसीजन है, क्योंकि मैं हल्के दे जिहड़े मेन मुद्दे है उन्हां ते गल करना चाहुंदा। मेरे च ईमानदारी है, मैं ईमानदारी नाल काम करना चाहुंदा। जे मैं हल्के दे लोकां दी गल सुन के उपर तक नहीं पहुँचा सकदा तो फिर इहो जिहियां पॉलिटिक्स इहो जी राजनीति करन दा कोई फायदा नहीं। आम आदमी पार्टी दे विच कोई सुनवाई नहीं है, एक डिसीजन मेकर है वो राघव चड्ढा है, वो अपनी मर्जी ना जो मर्जी कह दे उहदी आपदी मर्जी है, इत्थे किसी की कोई नहीं चलती। हर बंदा जिहड़ा दिल्ली का स्ट्रक्चर बनया एक दबाव प्रैशर दे विच काम कर रहा, जिन्हें भी उम्मीदवार एलाने गए है अज की डेट च कोई भी नहीं बोलता, क्योंकि सब नूं टेंशन है कि साडी टिकट ना कटी जाए, डर दे विच कोई नहीं बोल रहा। लेकिन मैं ये चीज़ा पहला भी कर सकता सी, लेकिन मैं चाहता सी पंजाब की जिहड़ी नुहार है वह चेंज होवे। इन्होंने किसानों नूं भी अपने आड़ च लै लिया, झूठे वादे किए, तो अज राघव चड्ढा कही जाता कि साढ़े जिहड़े किसान वो बीजेपी नाल रले आ। सो असी अपनियां जमीरां मार के इहो जिहा काम नहीं करदा, मैं ठुड्डा मारदा इहो जी MLA-ship नूं, क्योंकि मैं जे अपने हल्के दे अपने नाल दे बंदियां दे काम नहीं करा सकता तो फिर इहो जिहे कामां नूं लैणा भी की करके। इस करके हल्के नूं जिहड़ी भी चीज़ अगे आउंदी मैं अपने जिहड़े भी मेरे सहयोगी ने उहनां नाल मैं गलबात करके, बाकी मैं इहदे सारा कुछ की कॉज रहे मेरे की रीज़न है इहदे मैं सारा कुछ मैनशन किया, ये तुहानूं मैं प्रैस नोट दे के जा रहा। बाकी बहुत जल्दी मैं बहुत वड्डा खुलासा करांगा और मैं अपने परिवार और अपने पूरे होशोवास दे विच गल कह रहा, किसी भी पार्टी दे अंदर ते प्रैशर नहीं, मैं बार बार फिर दस रहा, लेकिन आम आदमी पार्टी दे विच की कुछ चल रहा मैं अगली प्रैस कॉन्फ्रेंस करके तुहानूं जल्दी ही इहदे बारे दसूंगा। जी तुहाडी टिकट अनाउंस कर दित्ती कि तुसीं एलाने गए हो, इस टाइम जे तुसीं इस पार्टी नूं छड्ड रहे हो की कारण, वड्डा कारण की है जी? वड्डा कारण है कि प्रैशराइज बहुत किया जा रहा जी, जिहड़ा ये कंपनी इस तरीके नाल चलाई जा रही है भी तुसीं इन्ने हज़ार पोस्टर लवा दिओ, इन्ने हज़ार आ कर दिओ, इन्नी हज़ार फ्लैक्स लवा लो, इन्नी LCD लवा दो, क्योंकि जे मैं इन्ना लखा करोड़ा रुपया लगा के लखा करोड़ रुपये लगा के मैं अपने आप प्रमोशन करके जिता तो वह पैसा मैं कितों वसूल करूँगा? कि पार्टी तुसी हुण पार्टी छड़ रहे हो कि मैं पार्टी तो लड़ रहे हो किसी होर पार्टी तो या हले कोई डिसीजन नहीं, मैं घर जाके जिहड़े मेरे पार्टी के जिहड़े बंदे मेरे एसोसिएट है
है कि एक मीटिंग रखी है, मैं एक जगह के उत्ते बैठ के असं विचार करा अगली विचारधारा किस तरीके की है, फिर जिस तरह भी वह कहे उस तरीके डिसाइड करके जल्दी ही थोड़े ना फिर दोबारा रिजाइन करके प्लीज रिजाइन फाइनल है जी, रिजाइन लैके आया मैं जी। दसा जा रहा कि तुहाडे वल्लों जिहड़ी करोड़ां दे रुपए लैके टिकट लेती गई है, की सच्चाई है? आम आदमी मैं तुहाडे इस चैनल के माध्यम राही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा कि एक रुपए का कोई घोटाला कर दे, मैं राजनीति मैं दस रहा एक रुपए का कोई प्रूफ कर दे, एक रुपए का कोई प्रूफ कर दे कि मैं पैसे दे के टिकट लेके आया, मैं राजनीति छड़ दूं। मैं तुम दसिया भी वह गल् अगले टाइम करा क्योंकि पार्टी के जेडे देखो दिल्ली के लगाए हुए ऑब्जरवर है बड़िया प्रेसराइज है, वो टाइम नहीं देखे सिस्टम नहीं देखते दे, क्योंकि राजनीति करनी वो देखो जी वो टाइम के उत्ते खुलासा करा तुम दसिया कि मैं अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्दी करा तरीके भी मतलब इस गल ली है, मैंने कोई एतराज नहीं, लेकिन मैं लोगों की कचहरी से लोगों के नाल रहना चाहना क्योंकि मैं चाहता तो पहला भी छड़ सकता सी पर टिकट लैके छड़ना बहुत वड्डी गल है, इस करके तुहाडा सारा दा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं जल्दी ही बहुत सारे खुलासे करांगा। साडा हर एक प्रोग्राम देखण अते साडे नाल जुड़न लई सबसक्राइब करो बनेरा टीवी अते नोटिफिकेशन लई बेल आइकन ते क्लिक करो।